कंट्रोल अकाउंट्स न्यू टॉपिक। ओके अच्छा, कंट्रोल अकाउंट्स का नाम आपने सुना है या नहीं सुना? पहले सुना है? कहाँ सुना था, कहाँ पढ़ा था, हमने याद है कुछ? कब पढ़ा था? टेस्ट के अंदर आया था। और जनरल लेजर में कब? वो जो डे बुक वाला टॉपिक हमने पढ़ा था उसमें याद होगा, डे बुक्स हमने बनाई थी, उसके बाद रिसीवेबल पेबल लेजर्स बनाए थे, उसके बाद हमने बनाया था जनरल लेजर, और जनरल लेजर में दो टी अकाउंट्स बनाए थे हमने, एक अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट का, दूसरा अकाउंट्स पेबल कंट्रोल अकाउंट, याद है? तो अब ये हम डिटेल में पढ़ेंगे टॉपिक कंट्रोल अकाउंट, ये कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, ये सब चीजें, ठीक है? अच्छा, एक चीज और याद है, उसमें हमने जो कंट्रोल उस वक्त कंट्रोल अकाउंट बनाए थे डे बुक्स के साथ, उसमें कौन सा अमाउंट पोस्ट किया था, कौन सी वैल्यू रिपोस्ट हुई थी? डे बुक्स का टोटल, डे बुक्स का टोटल जाता है ना, टोटल पोस्ट होता है, सेल्स डे बुक का टोटल पोस्ट हुआ था, जैसे परचेज डे बुक का टोटल, हर चीज का टोटल, टोटल सेल्स, टोटल परचेज, टोटल रिटर्न, टोटल रिसिप्ट, हर चीज, ठीक। ओके इसको लिखते हैं चले। अब ये टॉपिक हम पढ़ेंगे डिटेल में। कंट्रोल अकाउंट होते क्या है? अच्छा जी, कंट्रोल अकाउंट क्या? कंट्रोल अकाउंट इज एन अकाउंट इन जर्नल लेजर इन विच अ रिकॉर्ड इज कैप्ट ऑफ टोटल वैल्यूज ऑफ सिमिलर बट इंडिविजुअल आइटम। और कंट्रोल अकाउंट्स आर पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ये नोट कर लें पहले। टाइप्स लिखें, टाइप्स ऑफ कंट्रोल अकाउंट। अच्छा यहां पर देखें, एक चीज पहले मैं क्लियर कर दूं आपको। ये तो दो टाइप्स हैं इसकी, एक है ट्रेड रिसीवेबल लेजर अकाउंट और सेकंड ट्रेड पेबल लेजर अकाउंट। अच्छा ये इनके नए नाम है, पुराने नाम क्या थे? वो ये थे अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट और सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, और ये ट्रेड पेबल लेजर अकाउंट के पुराने नाम अकाउंट्स पेबल कंट्रोल अकाउंट और परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। अब नाम चेंज हो गए तो आपको जो तब तो आपके जो बुक्स में न्यू एडिशन में और जो आपके सीबी एग्जाम होगा वहां पे टर्म यूज होंगी, आप नई वाली ट्रेड रिसीवेबल लेजर अकाउंट और ट्रेड पेबल लेजर अकाउंट। अच्छा एक चीज और यहाँ नोट कर लें, ये दो टाइप के कंट्रोल अकाउंट्स हम पढ़ेंगे, ये दो टाइप्स के कंट्रोल अकाउंट कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, क्या पर्पस होता है। वैसे अगर हम बात करें कंट्रोल अकाउंट की टाइप्स की तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, आप किसी भी चीज का कंट्रोल अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है? किसी भी चीज का कंट्रोल अकाउंट बना सकते हैं, इसकी कोई टाइप्स पे कोई लिमिट नहीं है। जैसे तो शायद आपने लेबर में पढ़ा होगा वेजेस कंट्रोल अकाउंट पढ़ा था, ठीक है, या पढ़ लेंगे आगे। तो कंट्रोल अकाउंट के देखिए टाइप्स की अगर बात हो, कोई आपसे पूछे कितने टाइप्स के होते हैं तो इसका आंसर होगा इट डिपेंड्स। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया था कंट्रोल अकाउंट कितने टाइप्स के होते हैं, तो उसमें आप ये नहीं लिखेंगे टू टाइप्स, ये टू टाइप्स आपके कोर्स में इंक्लूड है, ये दो टाइप के अकाउंट हम पढ़ेंगे, ये कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं। वैसे टाइप्स की अगर बात की जाए तो कंट्रोल अकाउंट्स की टाइप्स कोई लिमिट नहीं होती, डिपेंड करता है आपकी नीड पर, आप किस किस चीज का कंट्रोल अकाउंट बनाना चाहते हैं बना सकते, ठीक। तो इसके जो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो उसका करेक्ट आंसर होगा इट डिपेंड्स, बाकी दो टाइप कोर्स में। कंट्रोल अकाउंट कितने टाइप्स के होते हैं? ऑल रॉन्ग आंसर, ये तो समझा रहा हूँ, इट डिपेंड्स। तो इसकी कोई लिमिट नहीं होती है, आप किसी भी चीज का कंट्रोल अकाउंट बना सकते हैं, जैसे वेजेस कंट्रोल अकाउंट बना लें, इन्वेंट्री कंट्रोल अकाउंट बना लें, किसी भी चीज का बना, ठीक है? ये दो टाइप के अकाउंट आपके कोर्स में इंक्लूड। तो क्वेश्चन अगर कोई आता है कि कंट्रोल अकाउंट कितने टाइप्स के होते हैं तो उसका करेक्ट आंसर होगा इट डिपेंड्स, सही, टू टाइप लिखेंगे आंसर गलत हो जाएगा। कितने पर्पस, पर्पस लिख लें, कंट्रोल अकाउंट क्यों बनाते हैं, इसका मेन पर्पस क्या है? अ बैलेंस कैन बी एक्सट्रैक्टेड मोर क्विकली एंड इजीली फॉर प्रोड्यूसिंग अ ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट।
अच्छा आपको याद होगा हमने ट्रायल बैलेंस बनाए थे, बैलेंस शीट बनाई थी या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, उसमें रिसीवेबल और पेबल का हम एक सिंगल बैलेंस लिखते हैं या बाय नेम लिख रहे थे? बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस में रिसीवेबल और पेबल का एक बैलेंस लिखते हैं या हर कस्टमर और सप्लायर का बैलेंस बाय नेम लिखते हैं? सिंगल था ना, सिंगल बैलेंस था टोटल। तो जब ट्रायल बैलेंस बनाएंगे या बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें रिसीवेबल और पेबल का टोटल बैलेंस आता है, मतलब हर कस्टमर और सप्लायर का बैलेंस आप बाय नेम रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है? अलग अलग नहीं होता, एक ही टोटल टोटल आता है ना, टोटल रिसीवेबल्स टोटल पेबल्स, ठीक है? तो कंट्रोल अकाउंट बनाकर हम रिसीवेबल पेबल का टोटल बैलेंस इजिली फाइंड कर सकते, ठीक है? जैसे आपके सपोज 100 कस्टमर्स हैं, अब आपको 100 कस्टमर्स का बैलेंस फाइंड करना है टोटल रिसीवेबल, तो आप सिर्फ एक कंट्रोल अकाउंट बनाएंगे रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट और आपको 100 कस्टमर्स का बैलेंस मिल जाए। इसी तरह पेबल कंट्रोल अकाउंट बनाकर वो अपने तमाम सप्लायर का बैलेंस फाइंड कर सकते, इसका एक मेन पर्पस है। ओके ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ ट्रेड रिसीवेबल जर्नल लेजर अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। अच्छा नवंबर वन ट्रेड रिसीवेबल जर्नल लेजर अकाउंट बैलेंस को ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। अच्छा इसके बाद टोटल्स फॉर नवंबर, सेल्स डे बुक का टोटल है, सेल्स रिटर्न डे बुक, चेक्स एंड कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, रिक्वायरमेंट है नवंबर 30 ट्रेड रिसीवेबल जर्नल लेजर अकाउंट बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करना है, आसान है। अच्छा देखिए सिर्फ नाम इसका चेंज है, कंट्रोल अकाउंट अकाउंट वैसे ही बनेंगे जिस तरह पे हम नॉर्मल रिसीवेबल और पेबल का टी अकाउंट बनाते हैं, ठीक। अच्छा काम करते हैं, थोड़ा सा एक रिविजन भी हो जाएगा। पहले इसकी तीन जो ट्रांजेक्शन है इनकी जर्नल एंट्रीज बना लेते हैं तो अकाउंट बनाना आसान हो जाएगा, ठीक। अच्छा अब ये दिया हुआ टोटल्स आपके पास सेल्स डे बुक, तो सेल्स डे बुक में क्या रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट सेल्स, तो क्रेडिट सेल्स की डबल एंट्री क्या होती है? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, और टोटल कितना है इसका? 14,000। ओके अच्छा नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न डे बुक 1,000, तो ये सेल्स रिटर्न हो गई, इसकी डबल एंट्री सेल्स, सेल्स रिटर्न डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट चेक्स एंड कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, इसकी डबल एंट्री कैश या बैंक डेबिट, और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा, बैंक डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 18,000। अब इसका रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट बना लेते, ट्रेड रिसीवेबल लेजर अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस पोस्ट करेंगे 24,000 डेबिट होगा। अब जो एंट्रीज है वो पोस्ट कर देते हैं, जब क्रेडिट सेल्स हैं तो इसमें एंट्री थी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 14,000 डेबिट, सेकेंड एंट्री में अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट है तो अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएंगे 1,000 से, और थर्ड में भी अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट 18,000। क्लियर, अकाउंट क्लोज करते हैं तो डेबिट साइड का टोटल आ गया 38,000, 38,000 में से क्रेडिट साइड माइनस करेंगे 18,000 और 1,000, इसका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 19,000।
कैरेडॉन और ये प्रोडॉन। ये आपका ट्रेड रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट कंप्लीट, लेजर अकाउंट कंट्रोल। कॉपी कर लें। क्वेश्चन नंबर टू, जब इसमें यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट, या वो ट्रेड पेबल लेजर अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। आप इसमें ओपनिंग बैलेंस अप्रैल वन, ट्रेड पेबल, जर्नल लेजर अकाउंट बैलेंस के बाद टोटल्स फॉर अप्रैल, परचेज डे बुक, रिटर्न आउटवर्ड्स डे बुक, चेक्स पेड टू सप्लायर, डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम सप्लायर। तो इसकी भी पहले जर्नल एंट्रीज बना लेते हैं, उसके बाद फिर टी अकाउंट बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर टू, पहले परचेज डे बुक में क्या रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट परचेज, तो इसकी डबल एंट्री क्या होगी? परचेजेस डेबिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। टोटल कितना है इसका? 6,100 से। नेक्स्ट, अब ये रिटर्न आउटवर्ड्स डे बुक, परचेज रिटर्न, इसकी डबल एंट्री क्या होगी? अकाउंट्स पेबल डेबिट और परचेज रिटर्न क्रेडिट। फॉर 246। नेक्स्ट है चेक्स पेड टू कस्टमर सप्लायर, की डबल एंट्री, अकाउंट्स पेबल डेबिट, कैश या बैंक क्रेडिट, 8,300, 8,300। लास्ट है डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर, डिस्काउंट रिसीव्ड की डबल एंट्री, अकाउंट्स पेबल डेबिट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट। अकाउंट पेबल डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट। जी 8, 749, 749 एंट्रीज हो गई। अब लेजर में पोस्ट कर देते हैं। सबसे पहले तो इसका ओपनिंग बैलेंस, कितना है? 11,241, 11,241 ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। अब ये ट्रांजेक्शन पोस्ट करते हैं। अच्छा, पहले ही आपके परचेज पेबल, पहली एंट्री क्या थी? परचेज डेबिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। सेकेंड एंट्री हमारी अकाउंट्स पेबल डेबिट है, 246। ये पेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 246 से। थर्ड में अकाउंट्स पेबल डेबिट 8,300, 8,300 डेबिट। और फोर्थ एंट्री में भी अकाउंट पेबल डेबिट है 749, अकाउंट्स पेबल डेबिट। अकाउंट क्लोज करते हैं। इसका टोटल आ गया क्रेडिट साइड का टोटल 17,341। इसमें से डेबिट साइड माइनस करेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 8,046 कैरी डाउन, और ये ब्रॉड डाउन हो जाएगा क्रेडिट साइड। ठीक है, इसका बैलेंस आ गया 8,046। कॉपी कर